जय हिंद दोस्तों, शिवाय झा अलग ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम आए राम रसोई जो जन्मभूमि के बगल में ही है। आप देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि जाता है ये रास्ता, और ये बगल में आपको मंदिर दिख रहा होगा। मंदिर दिखाइए भाई साहब, और बगल में ये आप देख सकते हैं राम रसोई है। तो आपको आज अंदर में ले चलेंगे, फिर सेवा है बाहर के श्रद्धालु के लिए। तो चलते हैं आपको लेकर। तो दोस्तों आपको जो सामने मंदिर दिख रही है दोस्तों, यार राम रसोई है, और इसका ये हम लोग के पास पर्ची भी है। इसी से दोस्तों ये पर्ची जिसके पास रहती है अंदर में जाके खाना खा सकता है। तो आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर राम रसोई में खाना खिलाया जाता है, और यहाँ पर कितनी बहुत अधिक भीड़ होती है। दोस्तों आपको लेकर चलते हैं आगे, दिखाते हैं। तो हम लोग अंदर में चल रहे हैं, यही मार्ग है दोस्तों, आप सब भी जा सकते हैं अगर राम मंदिर का दर्शन करने आते हैं तो। और आप ये देख सकते हैं अभी इसका भी काम किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ले चलकर दिखाते हैं हम लोग पर्ची कहाँ से लिए हैं, काउंटर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, और उनके लिए निःशुल्क खाना का व्यवस्था किया गया है यहाँ पर फ्री। तो पैसा भी नहीं लगता है यहाँ पर, एकदम फ्री में आप जाके ऐसे ही पर्ची मिलेगी आपको। आगे यहाँ काउंटर है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, तो यहाँ से आप पर्ची लीजिए, और उसके बाद आगे आपको आना इधर, यहाँ पर लाइन लगा के अंदर जाइए। जितने भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं इसीलिए बहुत बड़ी लंबी लाइन लग रही है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, और आपको दिखा देते हैं इसी गेट से भी हम लोग अंदर चलेंगे। ये लिखा गया है अमाव राम मंदिर, देव जी की मूर्ति है, श्री राम जी के आराध्य शंकर भगवान जी। तो दोस्तों अब जैसा कि हम लोग अंदर में आ चुके हैं, गेट से अंदर आ चुके हैं पर्ची जमा करके, गेट के बाहर पर्ची जमा हो जाती है, तो हम लोग वीडियो नहीं बनाए दोस्तों। और आपको दिखा देते हैं अंदर में आने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पर दृश्य है, कितना साफ़ सफाई है यहाँ पर। और ये सामने मंदिर आप देख सकते हैं अंदर से, यहाँ पर शिव भगवान के अंदर में मूर्ति लगी है सामने एकदम, और आप ये मंदिर भी देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो इधर चारों तरफ दोस्तों यहाँ सब खाना खिलाया जाता है, ये महाराज जी भी हैं देख लीजिए यहाँ पे खाना खिलवा रहे हैं, और ये सब भाई साहब लोग हाथ धुल के आ रहे हैं, हम भी चल रहे हैं हाथ धुल लेते हैं। तो दोस्तों खाना खाने से पहले हाथ धुल लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से खाना खिलाया जा रहा है, और अभी हम लोग भी बैठेंगे खाना खाने तो आपको दिखाएंगे पूरा। और आप ये देख लीजिए भाई साहब ले जा रहे हैं सब्जी देने। तो दोस्तों दो बाल्टी हैं, दोनों में दो तरह की सब्जियां हैं यहाँ पर दोस्तों, महिलाओं के लिए बनाया गया खाने के लिए, इधर महिलाएं खाती हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तो अभी हम लोग भी चलते हैं बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं, आगे चलकर बैठेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे खाने में क्या क्या मिलता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है दोस्तों। तो हम लोगों ने सोचा कि आपको भी दिखा दें, यहाँ पर आप निःशुल्क भोजन यहाँ पर आकर कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग जैसा कि बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले गिलास दिया जा रहा है, किस तरह से दोस्तों यहाँ पर गिलास दिया जा रहा है आप देखिए, और ये थाली भी दिया जा रहा है इधर। तो दोस्तों शुरुआत हो चुका है भोजन का, किस तरह से दोस्तों शुरू किया जाता है आप देख लीजिए, पहले गिलास फिर थाली, और काफ़ी साफ़ सफाई रहती है दोस्तों यहाँ पर, अच्छी व्यवस्था है काफ़ी यहाँ पर। तो आप अगर श्री राम मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप यहाँ बगल में हैं दोस्तों, आपको जैसा कि दिखा दिए हैं आ सकते हैं, यहाँ पर निःशुल्क भोजन है। और आप देख लीजिए यहाँ पर दाल भी है, और दो तरह की सब्जी भी है। तो जैसा कि आपको दिखा दे रहे हैं, और हमारे मित्र लोग भी बैठे हैं दोस्तों, उन्हीं लोग के साथ में हम भी आए हैं, और आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए पूड़ी भी है, पूड़ी भी दिया जा रहा है, और चावल भी है। तो दोस्तों छोटी सी ट्रॉली है दोस्तों, इस पर रख कर लाया गया है चावल, किस तरह से चावल परोसा जा रहा है आप देख लीजिए। तो आप अच्छे से देख लीजिए, और आपको पूरा थाली दिखा देते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग खाना खाकर बाहर आ गए हैं, और ये शिवा अयोध्या वाले यूट्यूबर हैं, देख लीजिए जूता पहन रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग बाहर आ चुके हैं
खाना खाकर। अब आपको ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आप भी आते हैं अगर राम मंदिर दर्शन करने तो आप यहाँ आ सकते हैं, बगल में ही आप पीछे देख सकते हैं यह मंदिर किस तरह से, ये मंदिर देखकर आप आ सकते हैं। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा या जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।